मुझे कामदेव की इस भस्म को ही नष्ट करना होगा। जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तब मात्र भस्म ही शेष रह जाती है, किंतु उसे नष्ट करने का भला क्या उपाय हो सकता है? यदि मैं इसे नष्ट नहीं कर सकता तो इसे भिन्न भिन्न दिशाओं में बिखेर तो सकता हूं, जिससे यह आकार लेने हेतु एक स्थान पर एकत्र न रह सके। भस्म से भंडासुर का जन्म होने वाला है और इस समय इसे रोकने के लिए मेरे पास मात्र एक ही उपाय है कि मैं इन भस्मों को यहां वहां बिखेर दूं ताकि ये भस्म गणेश जी तक पहुंच ही ना सके। जो भस्म शेष है उसे भी इसी प्रकार बिखेरना होगा मुझे। भस्म वो यहां से कहां चली गई? भला कहां अदृश्य हो सकती है? ओ, उस शिला के पीछे मुझसे स्वयं को छुपाने का प्रयास कर रही है, किंतु मैं इसे यहां नहीं रहने दूंगा। यदि बुराई जन्म लेती है तो उसके साथ अच्छाई का जन्म भी अवश्य होता है। ये तो प्रकृति के विनाश और सृजन और पुनः विनाश के चक्र का ही भाग है। इसी के कारण अनेकों अधर्मियों ने जन्म लिया है, भले ही वो ताड़कासुर या हिरण्यकश्यप। उन्हें उनके जन्म के पूर्व नष्ट नहीं किया गया पुत्र। किसी भी व्यक्ति के पापों की गागर भरने के पूर्व उसे दंड नहीं दिया जाता, इसीलिए तुम प्रकृति के कार्य में बाधा मत डालो पुत्र। उचित है माता, मुझे क्षमा कीजिए माता। पुत्र, जो होना था वो हो चुका और नियति के अनुसार जो होना है वो भी अवश्य होकर ही रहेगा। कितना अद्भुत आयोजन है। हाँ, भव्य तो होगा ही। ये
मन में तो अभी तक वही प्रश्न उमड़ रहे हैं कि उन विचित्र घटनाओं के पीछे क्या कारण था। पिताश्री, और माँ के अत्यंत विचित्र व्यवहार का क्या रहस्य है? कब आरंभ होगी अभिषेक की ये विधि, जिस विधि के संपन्न होने पर ही मैं अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकूंगा। अब यहाँ प्रथम पूज्य श्री गणेश का पंचामृत अभिषेक आरंभ करना चाहिए। ये समस्त आयोजन प्रथम पूज्य श्री गणेश को बधाई और हमारी ओर से इनका आभार व्यक्त करने स्वरूप किया गया है, क्योंकि इन्होंने दशानन रावण द्वारा प्रभु महादेव के आत्मलिंग को लंका ले जाने से रोककर इस समस्त संसार पर आने वाले घोर अनिष्ट को सुरक्षित कर दिया है। ऐसा महान कार्य किया है इन्होंने। अभिषेक की ये सुंदर विधि तो गणेश जी के माता द्वारा ही आरंभ होनी चाहिए। पुत्री पार्वती, ये समय उचित है। अब मैं माँ से अपने प्रश्नों का उत्तर भी जान सकता हूँ। माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। पुत्र, मुझे ज्ञात है तुम्हारे मन में तो सदा भांति भांति के प्रश्न उत्पन्न होते रहते हैं, किंतु ये प्रश्न और उत्तर में उलझने का समय नहीं है पुत्र। एक बार अभिषेक संपन्न हो जाए उसके पश्चात हम अवश्य वार्तालाप करेंगे। माँ ने तो मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही मुझे शांत कर दिया, स्वयं से कुछ पूछने ही नहीं दिया मुझे। आइए देवी मैना, अपने सर्वाधिक प्रिय नाती का आप दही से अभिषेक कीजिए। सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। क्या हुआ पुत्र गणेश, किस विचार में हैं आप? मैंने उन तीनों को राजभवन के निकट ही देखा था, तो नानी माँ को अवश्य उन तीनों के बारे में ज्ञात होगा, तो क्यों ना मैं इन्हीं से पूछकर देख लूं। नानी जी, कल अकस्मात ही कुछ विचित्र घटना घटी जिसके विषय में मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आप सदैव विचित्र प्रश्न करते हैं, किंतु इस समय आप इन संशय और प्रश्नों से ध्यान हटाइए और इस विशेष अभिषेक की विधि का आनंद लीजिए। मेरे प्रश्नों का उत्तर देना तो दूर, कोई उन्हें सुनना भी नहीं चाहता। प्रभु, अब आप गणेश का गृह से अभिषेक कीजिए। नहीं महाराज जीवावन, आप उसके नाना जी हैं, इसलिए मुझसे पूर्व तो आपके द्वारा ही उसका अभिषेक सर्वथा उचित है। पुत्र गणेश, इस विशेष अवसर पर आप अपने नाना जी से क्या विशेष उपहार प्राप्त करना चाहते हैं, बताइए ना मुझे। प्रभु, 56 भोग मांग लीजिए नाना जी से, बस उसी से संतुष्ट हो जाएंगे हम। नाना जी, यदि आप मुझे कोई उपहार प्रदान करना ही चाहते हैं, तो मुझे मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर देकर मेरी एक जिज्ञासा शांत कर दीजिए। आप अपने समस्त प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में स्वयं सक्षम है, आप केवल मुझे इतना बताइए कि मैं आपको उपहार स्वरूप क्या दे सकता हूँ। किंतु नाना जी, अभी तत्काल बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इस अभिषेक के उपरांत भी मुझे बता सकते हैं।
लीजिए प्रभु, अब आप मधु से पुत्र गणेश का अभिषेक कीजिए। अब ये उचित अवसर है, मैं पिताश्री से ही अपने प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करूंगा। पिताश्री, मुझे आपसे कुछ। पुत्र, तुम्हारे नाना जी ने और तुम्हारी नानी माँ ने अपार स्नेह से तुम्हारे इस पंचामृत अभिषेक की व्यवस्था की है, इसलिए अन्य कुछ नहीं, मात्र अपने अभिषेक का आनंद लो। अभिक्षु रस से प्रथम पूज्य गणेश जी का अभिषेक करने का अवसर किसे प्राप्त होना चाहिए? मुझे नाना जी। मैं करूंगा अनुज गणेश का अभिषेक। मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे आने में विलंब अवश्य हुआ है, किंतु मैं तो माँ की आज्ञा अनुसार अनुज गणेश के सर्वाधिक प्रिय वस्तु की व्यवस्था करने ही गया था। लड्डू नहीं, आज तो मुझे उत्तर चाहिए जो मुझे कोई भी नहीं दे रहा है। मुझे पिताश्री ने अपने वचन से बांध दिया, अन्यथा मैं भैया से ही पूछ लेता। अब हमें अभिषेक की शेष विषय संपन्न करनी चाहिए। सज्जित हो गया हूँ और अब मैं पिताश्री से वार्तालाप कर लेता हूँ। मेरे अभिषेक की संपूर्ण विधि संपन्न हुई और अब मैं किसी से भी अपने प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने के लिए पूर्ण रूप से मुक्त हो गया हूँ। पिताश्री। पार्वती। हाँ प्रभु। अब मेरे ध्यान समाधि का समय हो गया है, मैं प्रस्थान करता हूं।
कोई बात नहीं, पिताश्री से नहीं तो मैं माँ से ही ज्ञात कर लेता हूँ। माँ, मैं बहुत अधिक समय से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मुझे कुछ अति आवश्यक संवाद करना है आपसे। गौरी पुत्र, आप हमें भी तो अपनी माता के साथ कुछ समय व्यतीत करने का अवसर दीजिए। हाँ पुत्र, एक माँ का भी तो अपनी पुत्री के समय पर अधिकार है, मुझे भी उसका कुशल मंगल ज्ञात करने का अवसर प्रदान होना चाहिए, है ना? चलो पुत्री। नाना जी अभी यहाँ अकेले हैं, उन्हें तो उन दृश्यों का रहस्य अवश्य ज्ञात होगा। इसके पूर्व की कोई अन्य उनके निकट पहुँचे, मैं उनसे ही ज्ञात कर लेता हूँ। कहाँ चल दिया अनुज गणेश? अरे नाना जी के निकट भैया, और कहाँ? भूल गए अनुज गणेश, मैंने पूर्व में ही कह दिया था कि इस बार नाना जी और नानी जी का संपूर्ण स्नेह और समय केवल तुम पर ही केंद्रित नहीं रहेगा। नाना जी, वो कल रात्रि में हमारी वो वाली चर्चा अधूरी रह गई थी ना, मेरे विचार से हमें उसे अब संपन्न कर लेना चाहिए। आइए चलिए। भैया, मूषक जी मेरे सखा एवं सेवक दोनों हैं, किंतु वो भी पुनः निद्रा में मग्न हो गए। फिर वही हो रहा है जो कल रात्रि में घटित हो रहा था। मुझे तो पूर्व में ही समझ जाना चाहिए था कि अभिषेक के उपरांत भी किसी के भी पास मेरे लिए तनिक भी समय नहीं होगा। माँ से वार्तालाप करने के लिए नानी जी हैं, पिताश्री एवं भैया से वार्तालाप करने के लिए नाना जी हैं, किंतु मेरे मन की बात समझने वाला कोई नहीं है। कोई मेरा मित्र भी तो नहीं है जिससे मैं अपने हृदय की बात कह सकता। कितना अच्छा होता जो मेरा भी कोई मित्र होता जिससे मैं अपने प्रश्न पूछ सकता। कितना एकाकी हूँ मैं, अब तो किसी आत्मीय मित्र की आवश्यकता का और भी आभास हो रहा है मुझे। कोई तो ऐसा मित्र होता मेरा जो मुझे समय देता, मेरी समस्या सुनकर उनका समाधान सुझाता। मित्र? मुझे भ्रम हो रहा है अथवा वास्तव में भस्मयी मुख का आकार लेकर मुझे पुकार रही है। मित्र, 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 चित्र भस्म अब किस दिशा में गतिशील है और क्यों? कदाचित अभी भी इसकी संभावना है कि ये अनिष्कारी घटना घटित होने से रुक जाए, ये संकट टल जाए। नहीं देवी, नियति ने जो निर्धारित किया है वो अपने उचित समय पर ही होगा, और अब गणेश से वो होने जा रहा है जिसके लिए वो स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाएगा।